हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 100 DAV स्कूल से वैकेंसी की डिटेल्स लेकर के आई हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जोन से। और बहुत सारा वैकेंसी की डिटेल्स आ भी रही है अदर स्कूल से एंड DAV स्कूल से दोस्तों। एंड इससे पहले भी मैं बहुत सारा स्टेट से DAV एंड अदर्स रिपोर्टेड स्कूल्स की वैकेंसी की डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जल्द से जल्द चेक कर लीजिए, क्योंकि डेडलाइन बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। ठीक है, CVT फेज 2 के थ्रू ही आप लोग डायरेक्टली इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन देकर के विदाउट एनी रिटन टेस्ट आप लोग इंडिया के कोई भी जोन पे कोई भी जोन की DAV में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग PEC कार्ड, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी कार्ड अगर आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे तो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जोन से रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इंडिया की कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए जल्दी ये सारा वैकेंसीज की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, वो है DAV कोऑपरेटिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जिसका लोकेशन हो जाएगी खलड़ी, रांची, झारखंड। यहाँ पे देख लीजिए, सीट्स वैकेंट इन डिफरेंट क्लासेस फॉर सेशन 2024-25। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग www.davpskhaladi.org पर जा सकते हो फर्दर डिटेल्स के लिए। एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है दोस्तों, 9263-6444 पे कॉल करके आप लोग सारा डिटेल्स पूछ सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, नर्सरी, LKG, UKG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 10 के लिए नहीं है, 9 के लिए भी नील है वैकेंसी। तो हर एक क्लास के लिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, और 11 के लिए एडमिशन ओपन ये बोला गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर फॉर एडमिशन बोला गया है, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। एंड www.davpskhaladi.org पर जा करके आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो, एंड रिगार्डिंग एप्लीकेशन भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, ये है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार रिक्वायर्स हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एज पर AWES गाइडलाइंस ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस। ठीक है, फिक्स्ड टर्म बेसिस पे ये वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, www.apshisar.com पे जाकर के आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। 26 अप्रैल के अंदर ही आप लोग को अप्लाई कर देनी पड़ेगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 26 अप्रैल 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिटेल्स जानने के लिए, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट पाने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा www.apshisar.com पे। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, अगर इंटरेस्टेड रहो तो अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे, आप लोग कॉल भी कर सकते हो कोई भी डिटेल्स जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन जे से वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है। इसका लोकेशन हो जाएगी हेहाल, रांची, और यहाँ पे दिया गया है देख लीजिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम DAV CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, TGT, PRT, NT कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स फॉर द फॉलोइंग स्कूल्स। देख लीजिए, DAV पब्लिक स्कूल इटकी रोड हेहाल रांची, सेकेंड वन इज़ DAV पब्लिक स्कूल बाड़ियातू रोड रांची, थर्ड वन इज़ सीनियर SR DAV पब्लिक स्कूल पुंडाग रांची, फोर्थ वन इज़ DAV CO.OP. सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलड़ी डिस्ट्रिक्ट रांची, फिफ्थ वन इज़ MA स्वामी DAV पब्लिक स्कूल सिल्ली डिस्ट्रिक्ट रांची, देन SS DAV सेंटरी पब्लिक स्कूल सेवा आश्रम खूटी, नेक्स्ट वन इज़ TCI DAV पब्लिक स्कूल गोविंदपुर रोड खूटी। ये सबसे वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है, रेस्पेक्टिव वे में यहाँ पे वेबसाइट डिटेल्स भी दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन देख लीजिए, DAV पब्लिक स्कूल www.davhehal.in पर जाकर के आप लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज़ DAV पब्लिक स्कूल बाड़ियातू रोड www.davbaadiyatu.org पर जाकर के आप लोगों को फर्दर डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। एंड कोई भी इंक्वायरीज के लिए आप लोग रेस्पेक्टिव फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, रिगार्डिंग सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान सकते हो दोस्तों। वैसे तो फर्स्ट वन यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है दोस्तों, बट रिटन टेस्ट CVT 1 तो क्लियर अगर आप लोग कर चुके होंगे तो ही आप लोग ये सारा वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अलॉन्ग विथ प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी कार्ड ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, PGT, TGT, PRT एंड NT एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। ठीक है, PEC कार्ड अगर आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे तो ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। CVT फेज 1 क्लियर करने से ही आप लोगों को फेज 2 में
मौका मिलेगा थ्रू द प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, ठीक है। तो वो डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है, वो आप लोगों के पास रखिएगा, एंड उसी के थ्रू ही आप लोगों को सेकेंड मतलब कि फेज टू अप्लीकेशन करनी पड़ेगी, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एंड ओनली इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन दे करके ही आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो रेस्पेक्टिव स्कूल्स की अलग अलग वेबसाइट डिटेल्स दिया गया है एंड फोन नंबर्स भी दिया गया है दोस्तों, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए, डिजायरस कैंडिडेट्स आर टू सबमिट देयर एप्लीकेशन वाया कंसर्न स्कूल वेबसाइट ईमेल आईडी, द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट और पैनल इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ पीईसी एंड अदर डिटेल्स, द डेट और वेन्यू विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फॉर मोर डिटेल्स कैंडिडेट्स कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ द स्कूल एज इंडिकेटेड अबव। 30 अप्रैल 2024 के अंदर ही आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट कर देनी पड़ेगी। अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके अंदर ही आप लोगों को अप्लाई कर देनी पड़ेगी। एंड रेस्पेक्टिव स्कूल्स की वेबसाइट डिटेल्स चेक कीजिए अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग फ़ोन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, ये है डीएवी पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि एन्क्लेव आउटर रिंग रोड पीतमपुरा से, पीतमपुरा की वैकेंसी है ये। फ़ोन नंबर दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए, ट्रेन फीमेल डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी कार्ड बीएड सीटेड एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आप लोगों का होनी चाहिए विद गुड कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यहाँ पे बोला गया है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स, टीजीटी सोशल साइंस, हिस्ट्री सिविक्स, इंग्लिश, एनटीटी और पीआरटी, मैथ्स, आर्ट, संस्कृत, डांस, पीईटी, एलडीसी एडमिट, ये सब के लिए रिकमेंडेड। 27 अप्रैल के अंदर ही आप लोगों को अप्लाई कर देनी पड़ेगी दोस्तों। अच्छी वैकेंसी www.dvpushpanjali.com पे जाकर के आप लोग सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी, एंड आप लोग ऑनलाइन ही आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों www.dvpushpanjali.com पे जाकर के। फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप लोग कोई भी डिटेल्स पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों डीएवी इंस्टीट्यूशंस ओडिशा से। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर सकते हो, ईमेल आईडी नोट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स और स्टाफ्स के लिए अलग अलग स्कूल से वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है, एंड रेस्पेक्टिव वे में यहाँ पे वेबसाइट डिटेल्स भी दिया गया है दोस्तों। 28 अप्रैल है लास्ट डेट, आप लोग ये जो रेस्पेक्टिव स्कूल्स के लिए यहाँ पे वेबसाइट डिटेल्स दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड पीसी के थ्रू ही आप लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगी, अगर आप लोग सीबीटी फेज़ वन क्लियर कर चुके होंगे तो ही आप लोग 28 अप्रैल के अंदर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। dabcsp.org, www.dabunit8.org, www.dabrkl.org, www.dabkalinga.org, यहाँ पे जा करके आप लोग सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो रेस्पेक्टिव स्कूल्स के लिए। एंड यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे अंगुल के लिए अलग अलग स्कूल्स का नाम दिया हुआ है, बहुत सारा स्कूल्स यहाँ पे है, चेक कर लीजिए। बालांगीर, बालासोर, भद्रक, कटक, ढेंकनल, गंजम, जगत सिंहपुर, जजपुर, ये सब के लिए अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग जोन के लिए दोस्तों अलग अलग स्कूल्स का नाम लिखा हुआ है, एंड टोटल 57 स्कूल्स के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। एंड यहाँ पे देख लीजिए, पीजीटी टीजीटी पीआरटी में रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, मैथमेटिक्स साइंस, संस्कृत मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, बहुत सारा कंडीशंस यहाँ पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, वैकेंसीज का डिटेल्स चेक कर लीजिए। मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी है यहाँ पे, एलडीसी एस्टेब्लिशमेंट, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी रिसेप्शनिस्ट, लेडीज ओनली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जनरल, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। पीजीटी सब्जेक्ट टीचर्स, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये सब के लिए सारा डिटेल्स दिया गया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी सब्जेक्ट टीचर्स, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, प्राइमरी टीचर्स के लिए भी रिकमेंड है। पीआरटी सब्जेक्ट टीचर्स, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, अदर टीचिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स के लिए भी रिकमेंड है दोस्तों, प्री प्राइमरी टीचर और लेडीज़, ठीक है, काउंसलर और हेल्थ एंड वेलनेस टीचर, म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस टीचर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। मिनिस्ट्री और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है। लाइब्रेरी असिस्टेंट, नेटवर्क असिस्टेंट, फिजिक्स लैब असिस्टेंट,
केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, बायोलॉजी लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी रिसेप्शनिस्ट, लेडीज ओनली। स्केल ऑफ पे यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। सिक्स पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को सैलरी भी मिल जाएगी दोस्तों। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइब्रेरियन के लिए भी रिक्वायरमेंट है, लाइब्रेरियन का भी पे स्केल दिया गया है यहाँ पे। एंड सेवन पे कमीशन के हिसाब से भी सारा डिटेल्स यहाँ पे शेयर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था सारा डिटेल्स, आप लोगों का प्रेफर्ड स्टेट, लोकेशन एंड सब्जेक्ट मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारा डीएवी डिफरेंट डिफरेंट जोन से वैकेंसी की डिटेल्स आ रही है, चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।